बुंदेलखंड किसान बाई गिरीश कुमार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये देखिए, आज हम लोग थोड़ा सा एक ज्योग्राफी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ, ये पठार है। कहानी ऐसे शुरू होती है कि इस क्षेत्र पर प्री कैब्रियन एरा, प्री कैब्रियन काल जिसे बोला जाता है ज्योग्राफी टाइमिंग स्केल में, उस समय पर एक बहुत बड़ा पर्वत था जो समय के साथ क्या हो गया, अपरदित हो गया। और वो क्या था, फोल्डेड माउंटेन था, यानी कि वो बलित पर्वत कहलाता था। बलित पर्वतों का अगर आप इतिहास देखें, उनके विकास का क्रम देखें, तो ये बोला जाता है कि पर्वत बनते हैं और एक समय के बाद उनका क्षरण होता है। ये ज्योग्राफिकल टाइम स्केल के साथ होने वाली एक स्वाभाविक घटना है। अगर आप गीता में पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि जो आया है उसका विनाश होना ही होना है। जैसे हिमालय आज वर्तमान में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन कालांतर में उसका भी अपरदन होगा और वो पठार में बदलेगा, और पठार में बदलने के बाद वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। इसके लिए जो कारक काम करेंगे, वो कारक काम करेंगे नदी, पवन, हिमानी, तीन कारक बहुत उत्तरदायी हैं। अब कहानी ये होती है कि प्री कैब्रियन काल में लगभग आज से 40-50 अरब साल पहले, मिलियंस अरब ऐसे कुछ टाइम में एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन इतने अरब साल पहले इस क्षेत्र पे एक बहुत बड़ा पर्वत था, और वो पर्वत धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया, अपरदित होना शुरू हो गया। और अपरदित होते 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 जब वो अपने अपरदन के अंतिम चरण में पहुँचा, तो अंतिम चरण में क्या होता है, जिस तरह से जब मकान बनाते हैं तो उस मकान की नींव में पत्थर रखे जाते हैं, उसी तरीके से जो पठार पर्वत अपरदित होता है उसकी नींव में, हमेशा बलित पर्वत की नींव में आपको ग्रेनाइट रॉक्स मिलेंगी। तो ये जो क्षेत्र है, ये ग्रेनाइट रॉक्स का मिलना, इस क्षेत्र में ग्रेनाइट पत्थर मिलता है, ग्रेनाइट रॉक्स जिन्हें पत्थर बोलते हैं, जब वो मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये क्षेत्र भविष्य में, सॉरी भूतकाल में, यानी कि फ्यूचर में बहुत बड़ा पर्वतीय क्षेत्र था। और आज ये क्षेत्र बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड का पठार अगर हम देखें तो ये मालवा का पठार और बघेलखंड का पठार और मध्य भारत के पठार को घेरे हुए है। यहाँ की जो लाइफ लाइन है वो है केन नदी, जो इस पठार की लाइफ लाइन है। और इस क्षेत्र में बारिश थोड़ी सी कम होती है, और जब जूलॉजिकल जो डिपार्टमेंट होता है, भूविज्ञानी जिन्हें बोलते हैं, उन्होंने अध्ययन किया और पाया कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट लैंड है, यानी वर्ल्ड की सबसे प्राचीन भूमि है, तो ये बुंदेलखंड के पठार है। और बुंदेलखंड के पठार की सबसे अगर ऊँची चोटी आप देखें, अगर आप MPBCS की तैयारी करते हो, तो वो कहलाती है सिद्ध बाबा की चोटी। और ये बुंदेलखंड का पठार जो है वो आपका विंध्याचल पर्वत से लगा हुआ है। इसके बाद कैमूर, भांडेर, भारनेर ऐसे पठार इसके साथ जुड़े हुए हैं जो कि बघेलखंड के पठार से संबंधित हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा वृत्त चित्र था जो कि हमने यहाँ पर बुंदेलखंड के पठार के बारे में बताया। तो ये बुंदेलखंड का पठार है, सूखी भूमि है, ग्रेनाइट रॉक्स यहाँ पे देखने को मिलती है। और इसमें एक सबसे ज़्यादा है कि इसमें एक आपको गेहुआ कलर का ग्रेनाइट मिलेगा, एक सिलेटी कलर का ग्रेनाइट मिलेगा, एक वाइट कलर का ग्रेनाइट मिलेगा। तीनों ग्रेनाइट यहाँ पे पाए जाते हैं जो कि मकानों में यूज होते हैं, बड़ा इनका भविष्य है। तो इन पठारों पर आज हम लोग हैं, और ये क्षेत्र बारिश को कम प्राप्त करता है, ये इस क्षेत्र के लिए थोड़ा सा दुर्भाग्य है। तो ये था हमारा एक पठारी क्षेत्र का चित्र। यहाँ पर सागौन मिलेंगे आपको, साल मिलेगा, ये छोटे छोटे पेड़, और इसके जंगल हैं बहुत अधिक मात्रा में, ये जंगल हैं। और इसका एक ही दुर्भाग्य जो हमें ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में बारिश कम होती है। तो ये था हमारा बुंदेलखंड के पठार पर एक छोटा सा वृत्तचित्र। ये मेरे साथ हैं गिरीश सर, अब ये कुछ पठार के बारे में जो भी जानकारी है वो थोड़ी सी देंगे, क्योंकि ये हमारे सर लेक्चरर हैं और इस क्षेत्र के बहुत अच्छे। तो जो आप ये पठार देख रहे हैं, जैसा कि बताया गया मैं अशोक सर के द्वारा, कि ये बुंदेलखंड जो पठार हैं सबसे प्राचीन पठारों में से एक है, ऐतिहासिक संस्कृति भी जुड़ी हुई है,
इतिहास भी जुड़ा हुआ है, विज्ञान भी जुड़ा हुआ है, कई तत्व इसमें समाये थे। आप देख सकते हैं पूरे पठार, बस एक विडम्बना है बुंदेलखंड के पठार की कि यहाँ पे बारिश की थोड़ी सी कम संभावनाएं पाई जाती हैं। ये भविष्य का, वैज्ञानिक यहाँ तक की कह रहे हैं कि ये भविष्य का रेगिस्तान भी बन सकता है। तो ऐसी उम्मीदें हो सकती है वैज्ञानिकों का मानना है, परंतु ओल्डेस्ट पठार है, आप इसका पूरा आनंद लें और बुंदेलखंड और पूरे भारत में इस वीडियो को पहुंचाना है, इस जानकारी को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बुंदेलखंड की पहचान को बताना है अपने ओल्डेस्ट लैंड के बारे में। तो ये थे हमारे गिरीश सर। अगर आपको हमारे गिरीश सर के और हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।